युद्ध झेल रहे गाजा से ये भयावह जानकारी आई है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 200 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। और ये मौत तब हुई जब राहत सामग्री का इंतज़ार कर रहे, खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हज़ारों की भीड़ पर फायरिंग की गई। हमास का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जो फायरिंग है वो इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई, उन लोगों पर की गई जो राहत सामग्री लेने के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए क्यू में लगे थे, लाइन में लगे थे, और जो उसके बाद उन पर फायरिंग की गई और इसमें ये मौत हुई है। हालांकि इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से एक लंबा बयान जारी किया गया है, डैनियल हगारी ने बयान जारी कर ये कहा है कि ये जो मौत है तब हुई जब सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो इजरायली सैनिकों की तरफ बढ़े जो टैंक के साथ वहां पर तैनात हैं, और वो सैकड़ों की तादाद हजारों में बदल गई और उसके बाद जो है इजरायली सैनिकों को आत्मरक्षा में फायरिंग जो है वो करनी पड़ी। और इस वीडियो में ये भी सफाई दी गई है कि जो फायरिंग है वो जो राहत सामग्री ले जा रहा कॉन्वॉय है उसको उसकी तरफ नहीं की गई, बल्कि जो भीड़ हमलावर थी उसकी तरफ फायरिंग की गई और इसमें जो है वो जान गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो चश्मदीद है, उनके मुताबिक यह भी कहा गया कि जो ट्रक है उसके पहियों के नीचे कुचलकर भी लोग मरे हैं, टैंक से भी कुचलकर लोगों के मरने की जानकारी जो है वो सामने आई है। तो इन सब बातों की सफाई इजराइल की तरफ से यह दी जा रही है कि केरम शलोम बॉर्डर से, जो कि इजराइल और गाजा के बीच का एक चौक पॉइंट है, वहां से जो इजिप्ट से आया हुआ राहत सामग्री था उसके कॉन्वॉय को जाने दिया गया और यह कॉन्वॉय उत्तरी गाजा की तरफ जा रहा था जहां पर लोगों को खाने पीने की भारी किल्लत है। तो जब वो कॉन्वॉय जा रहा था तो उसको रोकने की कोशिश हुई और जो ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर बनाया है इजराइल ने, उसकी सुरक्षा के लिए जो टैंक वहां पर तैनात थे उस पर हमले की कोशिश हुई। हालांकि टैंक जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, ये बात इजराइल बेशक कह रहा हो, लेकिन सभी जानते हैं कि जो टैंक है गाजा में वो जमीनी अभियान का हिस्सा है। जब इजराइल की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई शुरू हुई 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के बाद, और उसके बाद पहले नॉर्दर्न गाजा को जो है निशाना बनाया गया, वहां पर हमास के टेरर नेटवर्क को खत्म करने का दावा भी इजराइल की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन वहां से उसके सैनिक जो है अभी लौटे नहीं हैं, क्योंकि इजराइल का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि हमास या गाजा जो है दोबारा इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा, तब तक जो है फौज की तैनाती जो है वो अलग अलग इलाकों में रहेगी। तो जो ऑपरेशन का ज्यादातर फोकस है वो अब दक्षिणी गाजा में है, सैन्य ऑपरेशन का राफा में, जहां पे कि 14 लाख के आसपास लोग शरण लिए हुए हैं, वहां पर भी ऑपरेशन जो है इजराइल लगातार कर रहा है, जिसकी कि काफी निंदा और आलोचना भी हो रही है कि आखिरकार जो सिविलियंस वहां पे हैं उनकी जान माल को खतरा हो रहा है। लेकिन इस बीच ये जो वारदात हुई है वो अपने आप में दिल दहलाने वाली इसलिए है क्योंकि जो वीडियो खुद इजराइल की तरफ से जारी किया गया है उसमें साफ देखा जा सकता है जो कि एरियल एक एरियल वीडियो है, और जो हवाई एक जो ड्रोन से लिया गया जो वीडियो है उसमें साफ तौर पे जो भीड़ है वो इधर उधर भागती नजर आ रही है, ट्रकों की तरफ भी वो जाती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये स्थिति पैदा क्यों हुई, क्योंकि 5 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से युद्ध जो है वो गाजा में चल रहा है, इजरायली हमले जो हैं जारी हैं, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं और जो फ्लोर मिल्स जो हैं जहाँ पे आटा वगैरह जो जहाँ पे पीसा जाता था, ये इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और पूरा का पूरा जो गाजा है जहाँ पे 23 लाख की आबादी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है बाहरी राहत सामग्री पे, और राहत सामग्री जब आती है तो वहाँ पे इस तरह की स्थिति लगातार और बार बार पैदा हो रही है कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो अपने लिए खाना लेने की कोशिश करते हैं। तो एक भुखमरी की समस्या है जो लगातार यूएन अपनी तरफ से बार बार इसकी चेतावनी दे रहा है। अभी भी इस घटना के बाद यूएन महासचिव का जो बयान है उन्होंने इस बात की निंदा की है और ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री जाने देने की जो वकालत है एक बार फिर की है। अमेरिका की तरफ से भी इस घटना की जांच की जो बात है वो कही गई है, इस पर पूरी रिपोर्ट की मांग की गई है और इस घटना की जो है वो निंदा की गई है। अमेरिका है जो लगातार इसराइल के साथ खड़ा रहा है, पूरे युद्ध के दौरान उसे समर्थन देता रहा है, लेकिन अमेरिका भी बार बार एक लंबे जो युद्ध विराम की जो बात है वो करता रहा है। हाल ही में जो बाइडन ने ये कह दिया कि सोमवार तक यानी कि 5 मार्च तक एक युद्ध विराम जो है वो हो सकता है, और उसके बाद पूरी निगाह इस बात पर है कि किस तरीके से युद्ध विराम होता है, किस तरह की शर्तें जो हैं वो उसमें आती हैं। पेरिस में इसको लेकर एक दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत जो है वो कतर में हो रही है। जो हमास की तरफ से मांग है वो ये है कि पूरी तरह से जो इजरायली फोर्स हैं वो गाजा से निकले, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। हमास की ये भी मांग है कि ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा आने दिया जाए। इजराइल बार बार ये सफाई देता है कि जितनी मदद सामग्री आ रही है सब के सब जो है वो गाजा भेजा जा रहा है, और जो
एक बंधकों की रिहाई को लेकर जो एक मांग है इसराइल की तरफ से कि बंधक जब तक नहीं छोड़े जाएंगे तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। दूसरी तरफ जो हमास है उसकी शर्त यह है कि जो फिलिस्तीनी कैदी जो कि हजारों की तादाद में इसराइल की जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। तो एक सहमति इस बात पर बनती नजर आ रही है कि हाई प्रोफाइल जो फिलिस्तीनी कैदी हैं जिन पर कि आतंकवाद तक के आरोप हैं उनको छोड़ने को इसराइल जो है वो तैयार हो सकता है और बदले में कई दर्जन बंधक जो हैं वो छोड़े जा सकते हैं। 130 के आसपास बंधक अभी भी हमास के कब्जे में बताए गए हैं। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी शर्तों पे जो अड़ने की जो प्रक्रिया है जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन एक युद्ध विराम की कोशिश भी लगातार अलग अलग देशों की मध्यस्थता में की जा रही है। उसमें कतर, इजिप्ट, ये तमाम जो देश हैं वो शामिल हैं, अमेरिका भी, क्योंकि वहां पे चुनाव है। जो राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडन, उनको इस बात की बड़ी चिंता सता रही है कि कहीं ये जो मामला है चुनाव में उनके अगेंस्ट ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल गाजा वार को अमेरिका की तरफ से हैंडल किया गया है उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी अमेरिका में है। तो घरेलू चिंता की वजह से भी सही, लेकिन जो बाइडन जो है वो भी खुद एक युद्ध विराम के पक्ष में है। उन्होंने बार बार नेतन्याहू को इस बात के लिए मनाने की कोशिश भी की है, उनको कहा भी है, लेकिन जो इसराइल के पीएम नेतन्याहू हैं वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे तीन शर्तें जो शुरुआत में रखी उन शर्तों पे अभी भी कायम है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो, बंधकों की वापसी हो और गाजा फिर से खतरा ना बने इसराइल के लिए, ये सुनिश्चित हो जाए उसके बाद ही ये युद्ध जो है वो रुकेगा। तो अब इस युद्ध के बीच जो सबसे बड़ी समस्या वहां के लोगों को हो रही है वो खाने पीने की चीजों की हो रही है। नॉर्दर्न गाजा से हमने देखा कि जब ऑपरेशन वहां पे शुरू हुआ है तो कैसे 11 लाख लोगों को सदर्न गाजा की तरफ जो है वो भेजा गया, लेकिन अभी भी उनको उत्तरी गाजा की ओर आने नहीं दिया गया है सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। मांग ये भी की जा रही है कि अगर ऑपरेशन खत्म हो गया है, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का दावा इसराइल ने किया नॉर्दर्न गाजा में, तो उनको वापिस आने दिया जाए। लेकिन जो कुछ भी लोग वहां पे 2-3 लाख लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। तो इसराइल यही सफाई दे रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए जो वहां पे टैंक्स तैनात हैं, जो वहां पे आईडीएफ के फोर्सेस, जो आईडीएफ वहां पे तैनात है उस पर हमले की कोशिश हुई और आत्मरक्षा में ये गोली है वो चलाई गई। लेकिन दूसरी तरफ हमास का सीधा सा आरोप है कि ये जो है वो फायरिंग की गई है क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा थे और खाने पीने की चीजों का इंतजार कर रहे थे। अब एक स्थिति है ऐसा देखिए कि अगर वो कॉन्वॉय जो है राहत सामग्री लेकर नॉर्दर्न गाजा की तरफ जा रहा था तो ऐसे में जो आसपास रास्ते में भी जो लोग हैं, जो दूसरे इलाके के भी लोग हैं, उनको भी खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। तो स्वाभाविक है कि जब भूख इस तरह से वहां पर पसरा हो तो लोग जाहिर सी बात है कि अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने की चीजों को लेने की कोशिश करेंगे। और भुखमरी की यह समस्या है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कॉन्वॉय की तरफ गए और उन्होंने राहत सामग्री लेने की कोशिश की, तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि जो लोग भीड़, जो लोग भूख से जूझ रहे हों और उन पर फायरिंग की जाए, और खासतौर पे तब जब उनके पास खाने की पूरी सामग्री जो है नहीं पहुंच रही है। इस तरह की तस्वीरें वहां पे लगातार आ रही हैं कि जो लोग हैं वहां किस कदर एक जान लेवा समस्या से और जानलेवा स्थिति से गुजर रहे हैं। एक तरफ बम का गोला आता है, दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें नहीं है। तो इन सब स्थिति के बीच जो है गाजा में आम लोगों की भारी जो मानवीय त्रासदी की स्थिति से वो गुजर रहे हैं। हालांकि इसराइल बार बार ये सफाई देता है कि उसकी जो लड़ाई है वो आम गाजा वासियों के खिलाफ नहीं है बल्कि वो हमास के खिलाफ है, लेकिन इस पूरे युद्ध में आम गाजा वासी भी पूरी तरह से पिस रहे हैं और लाखों लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। और इसी बीच में ये जो वारदात हुई है ये और ज्यादा दिल दहलाने वाली है और अब देखना है कि क्या इसके बाद भी जो दुनिया की ताकतें हैं गाजा में राहत सामग्री जो है वो ज्यादा तादाद में भेजने की कोशिश करती है, इसराइल पे ज्यादा दबाव बनाती है। हालांकि इसराइल बीच बीच में इस तरह के वीडियो भी जारी करता है इसमें कि एयर ड्रॉप किया जा रहा है जो खाने पीने की चीजें हैं, 70 पैकेट अभी पिछले दिनों ही ये एक वीडियो जारी कर गाजा में 70 पैकेट राहत सामग्री गिराने की जो बात है वो इसराइल की तरफ से की गई। तो ये स्थिति ऐसी भयावह है कि हर दिन जो है वहां पर लोग तिल तिल कर वहां पे मरने को मजबूर हैं। तो अब इस वारदात के बाद देखना है कि क्या सीज फायर की कोशिशों में कोई तेजी आती है और क्या आम गाजा के जो लोग हैं उन तक खाने पीने की चीज कम से कम पहुंच पाती है। घर जो उनके तबाह हुए हो तो हुए ही हैं, जिस तरह से नुकसान हुआ है गाजा का वो तो हुआ ही है, लेकिन जो कम से कम भूखमरी से वहां पे लोगों की जान ना जाए इस बात को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। और ये जो एक घटना है, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, वो अपने आप में एक और ज्यादा अलर्ट करती है लोगों को, दुनिया, विश्व समुदाय को, कि वो गाजा की समस्या की ओर ध्यान दे और इसराइल पे इस तरह का दबाव बनाए कि वहां ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पूरी तरह से जाने दिया जाए
इसराइल जो है वो ये कहता रहा है कि राफा से जो भी राहत सामग्री आ रही है वो जाने दिया जा रहा है, और केरम शलोम जो कि इसराइल की सीमा से लगता है उस चेक पॉइंट को भी राहत सामग्री के लिए खोला गया है, ताकि गाजा के लोगों को राहत सामग्री मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो जरूरत है और जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, उसमें भारी कमी है। और इसी मद्देनजर, इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो एक वारदात है वो हुई है, फायरिंग में लोग मरे हैं और आरोप प्रत्यारोप जो है उसका सिलसिला चल रहा है।